क्या मांगे हैं आपकी सरकार से, किस मांग को लेकर आप यहाँ पर धरना दे रहे हैं? हमारी मांग ये है कि स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों को दूसरे राज्यों में जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो राजस्थान में एक भी सुविधा राजस्थान सरकार नहीं दे रही है। हम ये चाहते हैं कि जो सुविधाएं दूसरे राज्यों में जैसे आरक्षण का है, प्लॉट अलॉटमेंट का है, रोडवेज में सुविधा है, टोल टैक्स का माफ कर रखा है, वो सारी सुविधाएं हमें दें। इसके दूसरे राज्यों में नहीं है, उनके अलावा एक्स्ट्रा कोई मांग नहीं है हमारी। केवल दूसरे राज्यों में जो सुविधाएं दी गई हैं वो हमारे को दी जाए यहाँ राजस्थान में राजस्थान सरकार के द्वारा। लेकिन राजस्थान सरकार को हम 2 साल से चेता रहे हैं, हमारी बात तक नहीं सुनती है, स्वतंत्रता सेनानियों से बात नहीं करती है। हमने उनके मंत्रियों से मिले हैं, संतरियों से मिले हैं, सेक्रेटरियों से मिले हैं, लेकिन उसका निर्णय अभी तक कुछ नहीं किया सरकार ने। आज हमें मजबूर होकर के सत्याग्रह के लिए बैठना पड़ा है। आज 9 अगस्त क्रांति दिवस है, क्रांति दिवस के ऊपर हम इसीलिए बैठे हैं कि हमारे पूर्वजों ने क्रांति के लिए लड़ाई लड़ी थी, देश को आज़ाद करवाया था, लेकिन ये सरकार जिनको देश आज़ाद करने वालों की एक भी बात नहीं सुन रही है, इसलिए आम हम सत्याग्रह पे बैठे हैं। हमारी यही मांग है।